हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया 7 मई को आ रही है और ये बहुत ही शुभ तिथि होती है। इसी दिन से भगवान कृष्ण की 21 दिवसीय चंदन यात्रा भी शुरू होती है और इस महीने से बहुत ही गर्मी शुरू हो जाती है, तो भगवान को ठंडक देने के लिए हम भगवान को चंदन लेपन करते हैं। और आज मैं यही बताऊंगी कि भगवान को चंदन लेपन किस तरीके से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे बाल गोपाल बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनको इसमें से निकाल के और आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने इसमें भगवान जी को बैठा लिया है। अब जो है हम चंदन लेपन के लिए बताएंगे। ये जो है ये आटा है और ये चंदन की जो स्टिक आती है बनी हुई वो है, इसको हम पीस लेंगे और इसमें मिला लेंगे। और ये गुलाब जल है, इसमें गुलाब जल भी मिला लेंगे और थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे। तो गुलाब जल ठंडक के लिए और इस खुशबू के लिए। और ये आटा, और इसमें वैसे आप पिसावा भी ले सकते हैं, पिसावा भी चंदन आता है, आप पिसावा भी चंदन इसमें मिला के एक डो बना लेंगे उसका। और वैसे तो बहुत टाइप से होता है चंदन का श्रृंगार भगवान को, ये एक टाइप है, ये मैं बता रही हूँ आपको और मैं आगे बताऊंगी दूसरी विधि। तो इसको हम पीस लेंगे, मेरे पास यही वाला है, मैंने इसको पीस के इससे मिला के इन तीनों चीजों को कलर के लिए, आप येलो वाला भी आता है चंदन उसको भी मिक्स कर सकते हैं। और एक डो बना लेंगे उसका, जैसा कि यहाँ मैंने बनाया हुआ है। देखिए एक मैंने इस टाइप से इसको मांड करके अच्छे से इसका एक डो बना लिया है। अब मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। इसको ऐसे पतला पतला करके ऐसे पतली पतली में बना लेंगे, ऐसे माथे से शुरू करेंगे, ऐसे लगा देंगे। यहाँ लेंगे और ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लगा दिया। फिर हमें सजाने के लिए ये इस टाइप की लेस आती है, इस टाइप की ये ले सकते हैं आप, या मोती भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वो ले सकते हैं। मेरे पास ये थी, मैंने ये ले लिया है। तो इसके इस टाइप से मैंने पीसेस कर रखे हैं, तो बताऊंगी। देखिए इस तरीके से ऐसे करके ये आप ऐसे लगा सकते हैं भगवान जी के। देखिए जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कीजिए। मोती भी आते हैं, सुंदर स्टोन्स जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं आप ऐसे। ये देखिए ये हमारा मोर पंख है, हम मोर पंख को ऐसे चिपका देंगे। देखिए थोड़ा सा और लेंगे, अब गले का बनाएंगे, बिल्कुल पतला सा बना लेंगे, बिल्कुल पतली ऐसे लेंगे, यहाँ लगा लेंगे और ऐसे ऐसे गले का बना लेंगे। देखिए इस स्ट्रिप हमारे पास ऐसे चिपका देंगे और ये ऐसे देखिए। तो इसे हम हाथों के लिए लेंगे, और ये अगर आप नीचे भी लगाना चाहें, आपके पास जैसे इस टाइप से हमारे पास कड़े होते हैं भगवान जी के, तो वो कड़े भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से कड़े बना दीजिए, यहाँ पे आप कड़े बना दीजिए, या स्टोन आते हैं आप स्टोन भी चिपका सकते हैं।
ये मेरे पास टॉप्स हैं, ये टॉप्स लगा देंगे, बिल्कुल ही इनसे मिलते जुलते हुए हैं। आप स्टोन हो स्टोन भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ऐसे ही हम ऐसे ही हम पैरों के लिए करेंगे, पैरों पे भी हम लगाएंगे। ये हम पहले कटिंग कर रखी है, आप अपने तरीके से खींचे जैसे आपको अच्छा लगे। स्टोन भी लगा सकते हैं आप। ये देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा भी श्रृंगार होता है चंदन का, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपको ऐसे करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा जो चंदन पूरी बॉडी पे ऐसे करके लगाते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।